मानसून इन दिनों अपने चरम पर है और मूसलाधार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। कई जगह बाढ़ जैसे हालात भी हैं। इन सब के बावजूद भी गुना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के कई इलाकों में नदी नालों पर पुलिया नहीं बनने की खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं गुना जिले से महज 35 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत ढूरढूरू के ग्राम गिथखो की, जहाँ ग्रामीण अपनी मोटरसाइकिल कंधों पर उठाकर रोज शहर में रोजगार के लिए आते जाते हैं और छोटे छोटे स्कूली बच्चों को कंधों पर उठाकर यहाँ की नदी के तेज बहाव को पार कर स्कूल पहुँचाते हैं, जिसके चलते हमेशा कभी भी कोई बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहती है। लेकिन यहाँ सरकार और प्रशासन इस विषय पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि नाले पर पैदल चलने वाली सड़क तो है, लेकिन पुलिया अभी तक नहीं बन पाई है। चार गाँव का रास्ता इस नदी से होकर जाता है। बरसात में यह सड़क नदी के रूप ले लेती है, कई बार तो ग्रामीण बह भी जाते हैं। वहीं ऐसे में गिथखो के एक ग्रामीण से दूरभाष के माध्यम से बात की गई तो उसने बताया कि नदी में पुलिया निर्माण को लेकर ग्रामीणों में बहुत रोष है। मरीजों और डिलीवरी के लिए महिलाओं को लाने के जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि कितने ही नेता, विधायक, मंत्री आए, सरपंच बदले, लेकिन एक पुलिया निर्माण नहीं हो पाया। साथ ही ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से एक पुलिया को बनवाने की गुहार लगाई है, लेकिन कोई गंभीरता से सुनवाई नहीं हुई। इसी खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कादिर खान जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं उनसे क्या है पूरा मामला। जी कादिर खान जी, सबसे पहले बताइए वहाँ के हालात कैसे हैं? जी यहाँ के हालात तो बहुत ही खराब है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा है कि ग्रामीण नदी पार करने के लिए कितने मजबूर है, गाड़ी कंधों पर उठा करके ले जाते हैं उस पार को, और इसी में कुछ बीच तो क्या ज्यादा बारिश हो जाती है तो कुछ ग्रामीण तो क्या बह भी जाते हैं, इसलिए उनकी तो क्या बहुत ही दयनीय हालत है। शासन प्रशासन से उन्होंने गुहार भी लगाई इस चीज के लिए, कितनी बार, 3 साल पहले भी गुहार लगाई थी, विधायकों से गुहार लगाई है और पंचायत पंचायत सचिव और पंचायत सेक्रेटरी सब लोगों ने क्या इस चीज के लिए मुद्दा उठाया, लेकिन सड़क तो बन गई है लेकिन उस जगह पर पुलिया बनना अभी क्या पॉसिबल नहीं हो पाया है। वो कारण क्या है वो भी नहीं समझ में आ पाया अभी तक। अच्छा, तो वहाँ पे जो जिम्मेदार व्यक्ति है उन लोगों से आपने बातचीत की तो उससे क्या सामने आया, क्या कारण है नहीं बन पाने? सरपंच को फोन लगाया था, सरपंच ने फोन रिसीव नहीं किया है और विधायक महोदय से भी बात नहीं हो पाई है क्योंकि वो कल कार्यक्रम है सिंधिया जी का, तो इसलिए उनसे बात होना पॉसिबल नहीं है अभी। जी जैसा कि हम देख सकते हैं कि बहुत ही मुश्किल से लोग इस पार कर पा रहे होंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए कादिर खान जी। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि लोग काफी मुश्किलों से यहाँ पे नदी के ऊपर पुल नहीं होने के कारण लोगों को काफी समस्याओं से होके गुजरना पड़ता है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको स्कूल जाने के लिए पुल नहीं है, उनको कंधे पे उठा के ले जाना पड़ता है। उसके साथ ही जो लोग रोजगार के लिए दूसरी तरफ जाते हैं उनको पुल क्रॉस पार करके जाना पड़ता है। वहीं यहाँ पे मौजूद हमारे संवाददाता ने जब बात किया यहाँ के ग्रामीणों से तो उन्होंने बताया कि बहुत बार सड़कें बनी है, पुलिया का काम नहीं हो पा रहा है, बहुत शासन प्रशासन को सारी चीजें बताई गई हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई भी संज्ञान जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनके द्वारा नहीं लिया जा रहा है। हमारे संवाददाता से आपने सुना कि कैसे सारी चीजें तो हैं, सड़कें बनी है, लेकिन पुलिया काम का काम नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है ये भी जाहिर नहीं हो पाया है, ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। जैसा कि आपने देखा कि हमारे संवाददाता ने जो भी जानकारी दी उसके हिसाब से साफ जाहिर होता है कि संज्ञान में तो ये चीजें हैं लोगों के जो भी वहां पे जिम्मेदार व्यक्ति है, लेकिन बावजूद इसके कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, कोई भी कार्रवाई इसको लेकर नहीं की जा रही है, जिससे आप जो भी अपने काम के लिए उस तरफ जा रहे हैं उसके साथ साथ छोटे बच्चे जो स्कूल में जा रहे हैं उनको कंधों पे लेके जाना पड़ता है। जैसे कि आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि कैसे लोग बाइक होने के बावजूद भी बाइक को उठा के नदी पार कर रहे हैं, तो इससे साफ दिखता है कि कितना बदहाल स्थिति है वहाँ पे पुलिया ना होने की वजह से लोगों की। इसी पे बातचीत के लिए हमारे साथ और अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे सरपंच पति। स्वागत है सर आपका हमारे एमकेएन न्यूज में। सर जैसा कि आप देख सकते हैं लोग काफी परेशान है वहाँ पे, छोटे बच्चों को कंधों पे उठा के ले जाना पड़ रहा है स्कूल जाने के लिए, तो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि पुल क्यों नहीं बन पा रही है वहाँ पे? जी जी जैसा कि आप देख सकते हैं लोग काफी परेशान है, बच्चों को स्कूल ले जाते वक्त कंधों पे ले जाना पड़ रहा है, तो बोल रहा हूँ। हेलो जी, आवाज आ रही है? जी मैं विजय सिंह यादव सरपंच बोल रहा हूँ, वो सड़क PWD में है साहब। जी वो तो PWD में है इसलिए पंचायत विभाग उसमें काम नहीं कर सकता सर, लेकिन ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति 4-5 गांव का रास्ता है, बहुत ज्यादा परेशान है वो गांव वाले। जी बहुत ही ज्यादा। अच्छा
जी तो जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है बतौर सरपंच, बतौर जिम्मेदार व्यक्ति, आप वहाँ के पंचायत के हैं, तो आपने जिम्मेदार व्यक्ति जो है उनसे बात किया, पीडब्ल्यूडी के जो हैं, उन्होंने नहीं क्या सर, कहा है सर इस मैंने पे? प्रयास भी किया उस चीज के लिए, मैंने एक दो बार और भी एप्लीकेशन वगैरह दी, लेकिन वो क्या है कि पीडब्ल्यूडी ने वो रोल डाली थी तो वो पुलिया छोड़ गए हैं, तो जब से वो पुलिया का काम अभी तक हुआ ही नहीं है, और उसमें ऐसी परेशानी पड़ती है, चार गांव पहली तरफ रहते हैं तो महिलाएं बेचारी इतनी परेशान होती हैं कि बहुत ही ज्यादा। जी वो तो हम साफ देख सकते हैं कि इससे बहुत ही मुश्किलों से होकर गुजरना पड़ रहा होगा लोगों को। तो आपको जी क्या जी जी लगता है सर कि बहुत कब ज्यादा, तक बहुत ये ज्यादा बदहाली कब परेशान है तक बेचारे रहेगी? लोग, और बीते चार गांव रहते हैं, जैतपुर, दतिया, कुंदा, गीतकोए, कई महिलाओं को जो डिलीवरी समय पे वो नहीं ला पाते हैं तो वो खत्म हो जाती हैं, ऐसी मतलब उन्हें ज्यादा संघर्ष परेशानी पड़ती है, तो बहुत ज्यादा परेशान है साहब, इसकी कोई व्यवस्था हो तो करवाओ। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए विजय जी।